हाथों की लकीरों पे ना कर यकीन गालिब, किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। आईबीएन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ मुस्कान चौधरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग से ये शायरी क्यों पढ़ी। मैं आपको एक ऐसे विषय पे बात करने वाली हूँ कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। उड़ने के लिए खाली परों की ज़रूरत नहीं होती, हौसलों की ज़रूरत होती है। जिसके हौसले बुलंद होते हैं वो इंसान ज़िंदगी में कभी पीछे नहीं हटता, हमेशा कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाता रहता है। उस इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या बोल रहा है। कई हद तक ऐसा देखने को मिलता है कि लोग डीमोटिवेट करते हैं और लोग वो जो है उसकी बातें सुनकर डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला आपके सामने लेके आई हूँ, जैसा मैंने स्टार्टिंग से शायरी बोली कि जिनके हाथ नहीं होते किस्मत तो उनकी भी होती है। पैरा क्रिकेट के टीम के कैप्टन आमिर हुसैन मीर, जो कश्मीर के अनंतनाग में रहते हैं, वो कश्मीर जहां पर स्टार्टिंग से ही कहा जाता है कि बैकवर्ड इलाका है, जहां पर फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती, लेकिन वहीं एक पैरा क्रिकेट के टीम के कैप्टन आमिर हुसैन मीर ने एक अपना नाम बनाया है, एक मिसाल कायम की है, जहाँ पर गौतम अडानी ने खुद आमिर हुसैन मीर को कॉल करके कहा कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत मैं पूरा करूँगा। वहीं सचिन तेंदुलकर, जिससे दुनिया मिलना चाहती है, जिससे कौन नहीं मिलना चाहता, और वो सचिन तेंदुलकर आमिर हुसैन मीर को कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि उसमें ऐसी क्या खास बात है, पैरा क्रिकेट टीम का कैप्टन रह चुका है और कैप्टन है आमिर हुसैन मीर। आप स्क्रीन पर देख लीजिए इस शख्स को, इसके दो हाथ नहीं हैं लेकिन ये फिर भी क्रिकेट खेलता है। इसके हौसले देख लो आप लोग, फिर भी क्रिकेट खेलता है। अपने कंधे के बीच में बैट को फंसा के किस तरह से क्रिकेट खेलता है। खाली बैटिंग नहीं करता ये व्यक्ति, बॉलिंग भी करता है। और बॉलिंग का आप अंदाज देख लीजिए कि अपने पैरों से बॉलिंग कर रहा है ये व्यक्ति। जहां हाथ से राउंड बॉल नहीं डाले जाते, वहां ये व्यक्ति अपने पैर से राउंड बॉल डाल रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से, आप भी देखकर हैरान हो गए होंगे कि इस व्यक्ति को हाथ नहीं है, आमिर हुसैन मीर को हाथ नहीं है, लेकिन इसने इसके हौसले जो है वो कितने ज़्यादा बुलंद है। आमिर हुसैन मीर ने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। हालांकि आमिर हुसैन की पैदाइश 1997 में हुई थी और जब ये 8 साल का हुआ था तो इसके एक हादसे में इसके हाथ कट हो गए थे। बताना चाहूँगी कि फैक्ट्री की एक मिल में जब आमिर हुसैन गया तो वहाँ पर एक हादसे में इसके दोनों हाथ कट आते हैं। आमिर हुसैन ने एक मीडिया में बयान देते हुए कहा कि मैं डीमोटिवेट हो गया था, मैंने अपनी हिम्मत हार दी थी। दो पल के लिए जब मैंने अपने हाथ देखे कटे हुए तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मुझे आगे बढ़ना था और क्रिकेट का शौक बहुत ही ज़्यादा था। उसके बाद जो है 2013 में पूरी प्रोफेशनल तरीके से आमिर हुसैन खेल रहा था, खेलते हुए अपने जज्बे अपने हौसले के साथ खेलते हुए आगे बढ़े और पैरा क्रिकेट टीम के कैप्टन रहते हुए अपनी टीम को आगे बढ़ाते हुए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खुद को प्रेजेंट किया और कश्मीर को प्रेजेंट किया। इस समय हर एक शख्स के मुंह पर आमिर हुसैन मीर का नाम है, क्योंकि दो हाथ ना होने की वजह से उसने अपने शौक जो है वो छोड़ा नहीं, उसने अपने शौक को पूरा करने के लिए हर मुमकिन से मुमकिन कोशिश की। आप स्क्रीन में देख लीजिए किस तरह से वो बॉलिंग करते और किस तरह से बैटिंग करते। हालांकि इस बीच आमिर हुसैन ने एक मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है, कश्मीर के अनंतनाग जैसी जगह पर रह रहा था वो, और ऐसी जगह पर जहाँ पर ना ही प्ले ग्राउंड की कोई फैसिलिटी है और ना ही क्रिकेट की कुछ ऐसी फैसिलिटी है, लेकिन उसने कहा कि हमेशा मेरे खेलने के लिए मुझे किसी भी जो कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से मुझे कभी भी कोई भी मदद नहीं हुई। कश्मीर के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से बैकवर्ड इलाका है। अगर वहाँ पर पहाड़ी इलाका, अगर वहाँ पर कोई प्ले ग्राउंड ना हो तो खेलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर जिनके हाथ नहीं होते वो अगर उम्मीद ना हारे तो वो कहीं हद तक आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए हर तरीके के सुविधा जो है वो रखी गई है, वो अपने इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो उसमें आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल
आमिर हुसैन का नाम देश के हर एक व्यक्ति के मुंह पर है, क्योंकि इसने जो है अपने हौसले नहीं हारे, किस तरह से हमेशा आगे बढ़ता रहा। इस समय जो है गौतम अडानी ने भी इनको कॉल करके इनसे बात की, और जो आमिर हुसैन की जो फैमिली वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा खुशी, और उनकी पत्नी को भी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतने बुलंद हौसले थे इनके, लेकिन इतनी उड़ान भर लेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। दो हाथ ना होने के बावजूद भी क्रिकेट के फील्ड में अपना नाम बना रहे हैं आमिर हुसैन मीर, जहां सचिन तेंदुलकर ने भी उनसे मिलने के बारे में बात की और मिलने के बारे में ट्वीट किया है। और कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले भी जो है उनको कहीं भारतीय टीम के जितने भी क्रिकेटर हैं उन्होंने जो है उसको सराहा है, उसकी जो है हौसला अफजाई की है। आप लोग इसको किस नजरिए से देखते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और देखते रहे आईबीएन 24 न्यूज के साथ, मैं मुस्कान चौधरी। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।